श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज प्रथु ने पूछा, हे नारद जी, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, उसका आचरण कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना गया है? हे राजन, नारद जी ने बताया, सुनो, मैं पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। उसका आचरण स्वयं को भी लाभकारी होता ही है, समाज भी उससे लाभान्वित होता है। अपने श्रम और त्याग से वह अपने पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है तथा अपने पितृपक्ष के सम्मान को उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृपक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं। वह हर ओर से अपने पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। नारद जी ने पतिव्रता के लक्षण बताकर कहा, अब आगे की कथा सुनो कि जलंधर के दैत्यराज बनने पर क्या हुआ। देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल आदि लोकों में जाकर छिप गए थे, वे जलंधर के दैत्याधिपति सिंह के सिंहासन पर बैठते ही फिर से पृथ्वी पर आकर विचरने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे सिर का होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने एवं सभी रत्नों के हरण की कथा कह सुनाई। इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान की बात जानकर वह अत्यधिक क्रोध में भर गया और उसी समय घस्मर नामक अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। दूत तक्षण ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और अभिवादन आदि किए बिना ही कड़कड़ाकर बोला, देवराज, मैं अपने महाराज दैत्याधिपति जलंधर का एक संदेश आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे सभी रत्न हमें वापस करो। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित होकर बोला, ये समुद्र सदा ही हमारे घोर शत्रु इन दैत्यों की रक्षा करता है और करता रहा है, अतः उसे मत कर। हमने जो रत्न प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने जाकर यह समाचार जलंधर को दिया तो वह क्रोध से और अधिक भड़क उठा और देवताओं को जीतकर वे रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं और तथा पाताल आदि में भी अपने दूत भेजकर सभी दैत्यों को बुलवा लिया। मंत्रणा करने के बाद उसने इंद्र की पूरी अमरावती पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अतः शुंब निशुंब को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदवन में स्थित अमरपुरी की घेर लिया। वह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। चारों ओर रक्त बहने लगा। मरकर गिरे हुए अश्वों एवं गजों के रण क्षेत्र पट गया। एक और युद्ध में मारे गए दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। दूसरी ओर बृहस्पति जी द्रोणांचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। उधर जब दैत्यराज जलंधर को देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पुनर्जीवित करने का समाचार मिला तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि द्रोणांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दें। उसके अनुचरों ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पति देव औषधि लेने वहां गए तो द्रोणांचल को वहां ना देख वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को सावधान किया, हे देवताओं, शीघ्र ही यहां से भागो। यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तुमसे नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति की इस घोषणा से देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए।
देवताओं को भागते देख दैत्यराज जलंधर और उसके सेनापति जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए। उधर सभी देवता उसके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जलंधर को जब उनके वहां छिपे होने का पता चला तो अमरावती का कार्यभार शुंभ निशुंभ को सौंपकर वह देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करने लगा। और हे कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार, आपको नतपाष्टक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य के संताप से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हे राजन, जो कोई मनुष्य भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा प्रथु, देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने को उद्यत हुए। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण भगवान बोले, भगवान शंकर से उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे। हम वचन देते हैं, किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। उनके सुमेरु पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भरकर युद्ध के लिए भगवान के सम्मुख आया। देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के रथ के छत्र ध्वजा काट डाले। घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उसके धनुष को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांप उठा था। भगवान जानते थे कि यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता रहा तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के हाथों ही मरेगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और अचानक युद्ध रोककर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर बोला, हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं है तो हमारे आपसी संबंधों का कोई प्रमाण दे। मेरी इच्छा है कि आप लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहें एवं मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित जलंधर के घर में रहने चले गए। अब तो जलंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। अपने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उनके पदों पर सभी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की सभी संपत्तियों अपने अधिकार में ले ली। इस प्रकार देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों आदि को भी
अपनी प्रजा बनाकर जलंधर निष्कंटक शासन करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जलंधर की राज्य शोभा देखने हम स्वयं भी उसकी राजधानी गए थे। उसने हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहा, भगवान आपका आगमन कैसे हुआ, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान विष्णु को जलंधर का वध करने में विवश देख और देवताओं के कल्याण हेतु अपने उससे कहा, हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी देखा। उनका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यही विचार कर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अंत में यहाँ पहुंच गया। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा, किंतु यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है, भस्म रमाने वाले राग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी है। यद्यपि तुम्हारे पास भी सुंदरियों की कमी नहीं, किंतु पार्वती की जिसमें जिससे तुलना की जा सके ऐसा कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं। अतः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने यही परिणाम निकाला है कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रिलोक में कोई नहीं है। हे राजन, नारद जी ने महाराज प्रथु को आगे बताया। इतना कहकर हम तो वहां से चले आए, मगर जलंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो उठा। उसने तत्काल राहु को बुलाकर उसे एक संदेश भगवान शिव के लिए देकर कैलाश की ओर भेज दिया। राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोक और प्रवेश का कारण पूछा। तब दैत्यराज जलंधर की शक्ति के मद में चूर राहु ने उन्हें अपने आने का कारण बताया, वह किस मंशा से वहां आया है। यह जानकर शिवगणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। राहु ने उनके सामने भी निडर होकर कहा, हे शिव, मैं तीनों लोकों को के राज दिराज और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। अब आप उनकी आज्ञा सुनो। दैत्यराज जलंधर ने कहा कि हे शमशानवासी तथा भस्मलेपी जटाजूटधारी, तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और सभी रत्न मेरे अधिकार में हैं, और चूंकि पार्वती भी एक स्त्री रत्न है अतः उसकी शोभा मुझ जैसे वीर पुरुष के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों ब्रकटियां तन गई और उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मोह सिंह के समान और आंखें अग्नि की भांति दहक रही थी। उसके सारे शरीर पर खंडे जैसे बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना विकराल मुख फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपटा। यह देख राहु भयभीत होकर बोला, हे देवाधिदेव महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और दूसरे का दूध बनकर यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे दंडित न करें। राहु की करुण पुकार सुनकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया, फिर उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तब शिव जी ने उससे कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लिया। उसके बाद भी वह भूख भूख करने लगा तो शिव जी ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ की भी खा लिया और तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही शेष बचा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा,
तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बाबर नामक एक देश में जा गिरा। जब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो उसके क्रोध का पारावार ना रहा। उसने शिव जी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पूरी से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन हुए, मगर क्रोधावेश के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया। सेना के भयानक कोलाहल से दसों दिशाएं गूंज उठी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।